एजुकेटर फॉर क्लास 11th. सो so स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर एट इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का लास्ट टॉपिक यस लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डेटा अपडेशन एंड डिलीशन डेटा अपडेशन एंड डिलीशन को आज हम डिस्कस करेंगे मतलब अभी तक हमने देखा कि टेबल के कर, के क्रिएशन क्रिएशन से लेकर है तो हम इंसर्ट कमांड का रिट्राइव करना, करना है तो हम सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं और सिलेक्ट कमांड के अलग अलग फॉर्म्स को हम डिस्कस कर चुके हैं डेटा तो वैल्यूज को अपडेट करना है डेटा वैल्यूज को डिलीट करना है मतलब टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उन रिकॉर्ड्स को यदि आपको अपडेट या डिलीट करना है, तब आप क्या करोगे? तो आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले है कि के ऐसे कौन से से हैं कि अपडेट कर सकते हो क्योंकि अपडेशन और डिलीशन है जो जनरली टेबल है रिट्राइव करना डेटा को उतना ही इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं अपडेशन और डिलीशन होता है ओके सो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो स्टेटमेंट के बारे में कौन से दो स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम डिस्कस करने वाले हैं एसक्यूएल के अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट को कौन से स्टेटमेंट को अपडेट एंड डिलीट सो हमने क्या देखा था कि हम एसक्यूएल डेटा डेफिनेशन कंप्लीट कर चुके थे क्या कंप्लीट कर चुके थे हम एसक्यूएल डेटा डेफिनेशन स्टेटमेंट जिसमें हमने किसे कंप्लीट किया था जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से आप क्रिएट करते हो डेटाबेस को और साथ ही आप क्रिएट करते हो टेबल को ओके okay? सो so, ये वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं जिस भी स्टूडेंट ने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां से आप इस चैप्टर के सारे वीडियो को स्टार्टिंग से देख सकते हो ताकि आपको आज का वीडियो जो है समझ में आ सके ओके okay? सो so, हमने यहाँ पे तीन चीजें देखी थी कि आप किस तरीके से डेटा बेस क्रिएट करते हो टेबल क्रिएट करते हो और यदि टेबल का स्ट्रक्चर आपको देखना है जो आपने क्रिएट किया है तब डिस्क्राइब कमांड कैसे यूज की जाती है ये हमने एसक्यूएल डेटा मैनिपुलेशन तो एसक्यूएल डेटा मैनिपुलेशन में हमने सबसे पहले देखा कि जो टेबल आपने क्रिएट की है जो डेटाबेस आपने क्रिएट किया है उसके अंदर यदि वैल्यूज को रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है तो आप कैसे इंसर्ट करोगे ठीक है अब रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के बाद यदि आपको रिकॉर्ड को एक्सेस करना है इंसर्ट कर लिया अब इंसर्ट हुए हैं या नहीं हुआ है चेक करना है हमें कि टेबल में जो रोज हैं, दस रो पांच रो अफेक्टेड लिखा हुआ है ना क्वेरी ओके तो एक्चुअल ये रोज क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है तो रिकॉर्ड्स को यदि रिट्राइव करना है एक्सेस करना है तब हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट देखा और आज उन्हीं रिकॉर्ड्स पे यदि आपको कोई रिकॉर्डेशन या डिलीशन करना है तो दो स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं जिनका नाम है अपडेट एंड डिलीट तो आज की इस वीडियो में हम अपडेशन के लिए एसक्यूएल द्वारा जो दो स्टेटमेंट प्रोवाइड किए गए हैं अपडेट एंड डिलीट उन्हीं का यूज करने वाले हैं ओके बाकी हम ऑल्टर स्टेटमेंट को भी पढ़ चुके हैं किस स्टेटमेंट को पढ़ चुके हैं हम ऑल्टर तो ऑल्टर का यूज हमने देखा था तीन तरीके से कैसे देखा था हमने ऑल्टर का यूज एड मॉडिफाई है ना इस तरीके से हमने इसका ऑल्टर का यूज देखा था क्लियर तो एंड तो तरीके से हमने ऑल्टर का यूज देखा था तो ऑल्टर भी क्या करता है मैनिपुलेशन ही करता है अपडेशन ही करता है ऑल्ट्रेशन ही करता है ऑल्टर का मतलब भी क्या हुआ मैनिपुलेशन अपडेशन ठीक है चेंजेस ये सब ऑल्ट्रेशन का भी काम है लेकिन ये डेटा डेफिनेशन का स्टेटमेंट है ऑल्टर जो किस में करता करता है किस में करता है किस किस में में मैनिपुलेशन चेंजेस करता है कमांड का यूज होता है टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करने के लिए टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए कॉलम ऐड करने के लिए कॉलम डिलीट करने के लिए समझ में आया कॉलम के डेफिनेशन चेंज करने के लिए तो जब टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करना है तब हम यूज करते हैं ऑल्टर कमांड बहुत ध्यान से समझ लो जब टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करना है तब हम यूज करते हैं ऑल्टर कमांड मतलब टेबल को आपको फिर से डिफाइन करना है कोई कॉलम हटाना है रखना है कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है कॉलम का साइज चेंज करना है कॉलम ही रिमूव करना है ठीक है तब आप इसका यूज करते हो ऑल्टर कमांड का लेकिन टेबल के अंदर जो रोज होती है जो रिकॉर्ड होती है यदि उनमें चेंजेस करना है उन्हें डिलीट करना है उन्हें अपडेट करना है तब हम यूज करेंगे अपडेट एंड डिलीट कमांड का दोनों में देखो डिफरेंस समझ लो अच्छे से फिर से मैंने बता रही हूं क्या डिफरेंस है कि ऑल्टर कमांड भी यूज होती है अपडेशन के लिए डिलीशन के लिए चेंजेस के लिए लेकिन ऑल्टर कमांड का यूज होता है कब कहां टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करने के लिए किसमें टेबल के स्ट्रक्चर में टेबल के डेफिनेशन में चेंजेस करने के लिए होता है इसका यूज ठीक है और इनका यूज होता है टेबल के रिकॉर्ड्स को चेंज करने के लिए टेबल में जो टपल्स हैं जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें चेंज करने के लिए इसका यूज होता है सो so, होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ऑल्टर अपडेट डिलीट इन तीनों का काम एक जैसा होता है राइट right? तो हम किस कमांड का यूज करें डेटा को डिलीट करने के लिए या फिर टेबल के स्ट्रक्चर में कोई कॉलम वगैरह डिलीट करना है तो सो होप यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन ऑल्टर डिलीट एंड अपडेट कमांड राइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को अपडेट एंड डिलीट कमांड के साथ जिसमें हम देखेंगे कि कैसे टेबल के रिकॉर्ड को अपडेट और डिलीट किया जाता है ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा अपडेशन डेटा मतलब टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड है जो रोज है टपल्स है रो रिकॉर्ड टपल एक ही होता है फिर से बता रही हूं कभी भी एमसीक्यू बेस्ड फीलअप बेस्ड ट्रू फॉल्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है रो रिकॉर्ड टपल ओके टेबल के अंदर दस

हम बोल सकते हैं कि टेबल पे जरूरी होती है जैसे सपोज हम स्टूडेंट टेबल की बात करते हैं तो वो स्टूडेंट्स जो क्लास टेंथ में थे अब वो क्लास इलेवेंथ में प्रमोट किए गए तो टेंथ से 11th में प्रमोट किए गए तो कहीं ना कहीं क्लास चेंज हुई उनके रोल नंबर चेंज हुए तो चेंज हुए मतलब ये आपको करना पड़ेगा समझ में आया तो अपडेशन ऑपरेशन कितना इंपॉर्टेंट है ये क्लियर है किसी स्टूडेंट का एड्रेस चेंज हुआ किसी स्टूडेंट का फोन नंबर चेंज हुआ है ठीक है किसी स्टूडेंट के नाम में कोई प्रॉब्लम हो रही है स्पेलिंग चेंज हो रही है तो ये छोटे मोटे जो अपडेशन है वो टेबल पे होते रहते हैं

सेंटेक्स <coughs> क्या लिखा है अपडेट टेबल टेबल नेम क्या लिखना है आपको अपडेट कमांड के आगे टेबल का नाम लिखना है क्या लिखना है अपडेट लिखा टेबल का नाम जिस भी टेबल में चेंजेस करना है स्टूडेंट गार्जियन अटेंडेंस अभी हम स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस पे ही वर्क कर रहे हैं तो टेबल का नाम लिख देना है सेट अब देखो सेट करना है जो भी चेंजेस करना है उसको सेट करना है तो सेट क्लॉस का यूज करना है एस सेट क्या करना है कॉलम की वैल्यू को सेट करना है ना कोई कॉलम है एड्रेस कॉलम है तो एड्रेस में आपको किसी स्टूडेंट का एड्रेस चेंज करना है तो यहां पे क्या आ जाने वाला है कॉलम का नाम

किस कॉलम में वैल्यू आपको चेंज करनी है तो यदि कोई स्पेसिफाइड कंडीशन है तो कंडीशन हम मेंशन करते हैं वेयर क्लॉज में किस क्लॉज में मेंशन करते हैं Where clause में। okay. स्टूडेंट का रोल नंबर फाइव है उस फाइव वाले रोल नंबर वाले स्टूडेंट का हमें क्या चेंज करना है address change करना है। तो यहां पे आप वेयर में कंडीशन लिखोगे रोल नंबर जो नया address आपको सेट करना, करना है वो लिखना है ओके सो है रखना है आपको अपडेट के आगे आपको लिखना है टेबल का नाम जिसमें चेंज करना है अपडेट के आगे टेबल का नाम सेट करना है आपको वो कॉलम जिसकी वैल्यू को नहीं सेट करना है ठीक है समझ में आए जिस वैल्यू को अपडेट करना है जहां पर किस रो में किस रिकॉर्ड में चेंज करना है तो वेयर के आगे आपको लगाना है कंडीशन यहां लगाना है आपको कंडीशन यहां लिखना है आपको जो नई वैल्यू सेट करना है कॉलम इक्वल्स टू नई वैल्यू और अपडेट जिस टेबल को करना है उस टेबल का नाम ओके सो अपडेट सेट वेयर ध्यान रखना है कि आपको इस फॉर्मेट को फॉलो करना है क्लियर अब कैसे एग्जाम्पल so देख लें कंटिन्यू करते कौन डेटाबेस को स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस को उसी पे वर्क करते आ रहे हैं हम स्टार्टिंग से जिसमें हमने तीन टेबल क्रिएट की थी स्टूडेंट गार्जियन और अटेंडेंस स्टूडेंट टेबल में क्या क्या था स्टूडेंट का रोल नंबर था नाम था डेट ऑफ बर्थ था गार्जियन आईडी था ये चार कॉलम थे गार्जियन टेबल में क्या था गार्जियन का नाम था गार्जियन आईडी था एड्रेस था फोन क्रिएट स्टेटमेंट से इन टेबल में वैल्यूज को इंसर्ट कर चुके हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट से हम इसमें से वैल्यूज को रिट्राइव भी कर चुके अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो क्वेरी हमने देखी थी लास्ट वीडियो में सो so, यहां तक क्लियर अब इस एग्जाम्पल में अपडेट वाले में भी अपडेट कमांड में भी हम इन्हीं को कंटिन्यू कर रहे हैं सो द स्टूडेंट टेबल हैज नल वैल्यू फॉर गार्जियन आईडी फॉर स्टूडेंट विद रोल नंबर थ्री क्या देखा था आपने स्टूडेंट टेबल में कि जहां पे स्टूडेंट का रोल नंबर थ्री है मतलब थर्ड रोल नंबर वाले स्टूडेंट का जो गार्जियन आईडी है उसमें कोई भी वैल्यू फिल नहीं है वहां पे डेटाबेस में नल वैल्यू लिखी हुई है क्या देखा हमने कि जो स्टूडेंट टेबल है उसमें जो थर्ड नंबर का रोल नंबर है स्टूडेंट थर्ड जो स्टूडेंट है उसका गार्जियन आईडी की वैल्यू फिल नहीं है नल वैल्यू है सो सपोज स्टूडेंट विद रोल नंबर थ्री और फाइव वाला जो रोल नंबर वाले स्टूडेंट है वो सिबलिंग्स है सिबलिंग्स है सिंगल मतलब पेरेंट उन, दो, उन दोनों स्टूडेंट्स के पेरेंट क्या है सेम है सिबलिंग है तो हम क्या चाहते हैं कि दोनों के जो गार्जियन आईडी है वो सेम सेम फिल हो जाए फिफ्थ वाले में तो गार्जियन आईडी फिल है लेकिन थर्ड वाले में फिल नहीं है नल वैल्यूज है तो वही फिल करना है हमें ओके okay? यही अपडेशन करना है हमें टेबल में सो इन स्टूडेंट टेबल वी नीड टू फिल द आई आईडी वैल्यू फॉर स्टूडेंट विद रोल नंबर सो ये गार्जियन आईडी हमें फिल करना है रोल नंबर थ्री वाले स्टूडेंट के जीओ आईडी वाले कॉलम में भी इन ऑर्डर टू अपडेट और चेंज जीओ आईडी ऑफ अ पर्टिकुलर रोल रिकॉर्ड वी नीड टू स्पेसिफाई द रिकॉर्ड यूजिंग वेयर क्लॉज तो आपको पूरी टेबल में से किस रोल नंबर पे चेंज करना है किस रोल नंबर के स्टूडेंट का गार्जियन आईडी फिल करना है उसको हम स्पेसिफाई करेंगे वेयर क्लॉज में ठीक है और अपडेशन के लिए यूज करेंगे हम आईडी तो पहले देख लेते हैं स्टूडेंट टेबल की वाकई ये चीज हो रही है कि नहीं हो रही है यस सो स्टूडेंट स्टूडेंट अटेंडेंस के डेटाबेस की, की हम बात कर रहे हैं ये स्टूडेंट टेबल है यहाँ पे रोल नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स रोल नंबर है अब यहाँ पे देखो थर्ड वाला जो रोल नंबर है ये थर्ड वाले रोल नंबर वाले स्टूडेंट को आप ध्यान से देखो यहाँ पे गार्जियन आईडी आपको

तो दोनों क्या है हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों सिबलिंग्स है तो यहां जो गार्जियन आईडी फिल है वही गार्जियन आईडी आपको यहां भी फिल करना है समझ में आया मतलब आपको थर्ड वाले रोल नंबर तलीन शाह वाले स्टूडेंट का गार्जियन आईडी यही गार्जियन आईडी फिल करना है ओके okay, इसी से अपडेट करना है इस कॉलम को तो जब इस कॉलम को आपको अपडेट करना है यहां पर आपको यही गार्जियन आईडी फिल करना है तो इसके लिए आप क्या करोगे इसके लिए आप चलाओगे कमांड अपडेट अपडेट करें स्टूडेंट टेबल को अपडेट करें स्टूडेंट टेबल को सेट करें गार्जियन आई कॉलम की वैल्यू गार्जियन आईडी वैल्यू सेट करना है सेट करना है ये guardian ID जहां पे number student का हो थ्री जहां पर रोल नंबर क्या हो स्टूडेंट का थ्री रोल नंबर या फिर आप नाम भी सेट कर सकते हो वेयर एस नेम इक्वल्स टू तलीम शाह दोनों कर सकते हो ध्यान से सुनो वेयर रोल नंबर इज थ्री और या तो ये लिखो या फिर तलीम शाह का नाम लिखो क्यों ऐसा क्यों क्योंकि इसलिए हम रोल नंबर को इसलिए प्रिफर कर रहे हैं वेयर रोल नंबर थ्री इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि रोल नंबर क्या है रोल नंबर यहां पर है प्राइमरी की जिसकी वैल्यू कभी रिपीट नहीं हो सकती हो सकता है तलीम शाह के नाम की एक और एंट्री हो समझ में आया हो सकता है यहाँ पे सेवन रोल नंबर से तलीम शाह के नाम की एक और एंट्री हो तो जब आप ऐसा लिखोगे वेयर नेम इक्वल्स टू तलीम शाह तो यहां भी क्या हो जाना है उसका गार्जियन आईडी चेंज हो जाएगा सो so इसलिए हम कहां पे लिखते हैं हमेशा वेयर कंडीशन में वही कॉलम को स्पेसिफाई करते हैं जिस कॉलम में प्राइमरी की एग्जिस्ट करती है तो वेयर कंडीशन में जब आप प्राइमरी की वाले कॉलम के अकॉर्डिंग बताओगे कि हाँ इस कॉलम इस पर्टिकुलर रोल नंबर वाले स्टूडेंट को या इस पर्टिकुलर नंबर वाले स्टूडेंट को ए, को चेंजेस करना है उसका एड्रेस चेंज करना है तो क्या होगा वो हमेशा एक्यूरेट होगा क्योंकि प्राइमरी की सिंगल होती है डुप्लीकेट नहीं होती है और उसकी वैल्यू यूनिक होती है नल भी नहीं होती है ऐसा नहीं कि प्राइमरी की, की कि किसी कॉलम में वैल्यूज ना हो समझ में आया अच्छे से तो यहां पे आपको क्या लिखना है अपडेट टेबल नेम स्टूडेंट सेट करना है गार्जियन आई डी इक्वल टू वन जीरो वन जीरो लेकिन किस रो में जिस रो में रोल नंबर क्या हो स्टूडेंट का थ्री हो ओके तो यही सेम क्वेरी आप देख लेते हैं हम कैसे लिखेंगे सो so, आपको स्टार्ट करना माइ स्क्ल में आपको क्या लिखना है अपडेट स्टूडेंट देखो ध्यान से वही लिखा है अपडेट स्टूडेंट सेट गार्जियन आईडी इक्वल्स टू वन जीरो वन जीरो वन जीरो वेर जहां पे स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है थ्री है जहां स्टूडेंट का रोल नंबर है तो अब ये क्वेरी जैसी आपने लिखी सेमी कॉलन लगाया तो सी द दॉट इज द आउटपुट द आउटपुट इज क्वेरी ओके वन रो अफेक्टेड आउटपुट आपका सक्सेसफुली आ चुका है आपकी क्वेरी रन हो चुकी है एक रो अफेक्ट हुई है कौन सी रो अफेक्ट हुई है जहां पे रोल नंबर स्टूडेंट का थ्री है

शो होगा ओके देखो यहाँ पे आउटपुट देखेंगे हम सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट का प्रैक्टिकली समझ में आया तो जो आपकी ये टेबल होगी ना सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट जब लिखोगे तो ये टेबल शो होगी और यहाँ पे आपको रिकॉर्ड फिल दिखेगा ओके मैंने अभी आउटपुट लगाया नहीं है बाकी हम इसे प्रैक्टिकली देखेंगे डन तो ये क्या देखा हमने अभी हमने देखा कि किसी एक कॉलम की वैल्यू को कैसे अपडेट करना है किसी एक कॉलम की वैल्यू को अब अपडेशन आप मल्टीपल कॉलम की वैल्यूज को भी कर सकते हो किसको मल्टीपल कॉलम की वैल्यूज को भी सो वी कैन ऑल्सो अपडेट वैल्यूज फॉर मोर देन वन कॉलम एक से ज्यादा कॉलम की वैल्यू को यदि अपडेट करना है तो आप वो भी कर सकते हो बाई यूजिंग अपडेट स्टेटमेंट

ठीक है तो हम यहाँ टेबल में अपडेशन हो रहे हैं एक से ज्यादा कॉलम अफेक्ट कर रहे हैं फोन नंबर एंड गार्जियन आईडी तो गार्जियन टेबल में देखो क्या क्या कॉलम्स दिख रहे हैं आपको गार्जियन का आईडी डी गार्जियन का नेम फोन नंबर एंड एड्रेस तो अब आपको इन दोनों कॉलम में चेंजेस करने हैं तो जी फोन इज इक्वल्स टू तो आप सेट करोगे ये फोन नंबर और जी एड्रेस इक्वल्स टू तो सेट करोगे ये एड्रेस आजाद एवेन्यू बिजोपुर एमपी ठीक है तो अब दो कॉलम में आपको वैल्यू चेंज करनी है लेकिन कहा किस रिकॉर्ड में ये वैल्यू चेंज होगी फोन नंबर और एड्रेस किस रिकॉर्ड में चेंज होंगे जहां पर गार्जियन का आईडी क्या होगा फोर तो हो सिक्सन का आईडी दिख रहा है इस गार्जियन के आईडी पर देखो फोन नंबर क्या लिखा था 780, 298, और एड्रेस क्या लिखा था हाउस नंबर बी ब्लॉक पृथ्वीहार मदुराई तो हमें ये कॉन्टेक्ट नंबर भी चेंज करना है और हमें ये एड्रेस भी चेंज करना है सो तो एक से ज्यादा कॉलम में अपडेशन करना है तो उसके लिए क्वेरी कैसे लिखेंगे उसके लिए जस्ट आपको क्वेरी लिखना है कुछ इस तरीके से क्या लिखा है यहाँ पर माइ स्केल पे जाना है अपडेट टेबल का नाम अब गार्जियन टेबल में हम चेंजेस कर रहे हैं सेट कर दे क्या सेट कर दे गार्जियन का एड्रेस जो नया एड्रेस है जो आपको सेट करना है वो एड्रेस लिखा एड्रेस वॉरकर में है सिंगल इन्वर्टेड में लिखना है हमें ठीक है फिर कॉमा लगाया अब जब आप मल्टीपल कॉलम में चेंजेस करवाना चाह रहे हो तो कॉमा लगा के हमने लिखा गार्जियन का फोन कि गार्जियन का फोन नंबर भी चेंज करना है तो जी फोन की वैल्यू आपने सेट कर दी है ठीक है अब वो इंटीजर टाइप की तो बिना सिंगल इनवर्टेड में लिखी लेकिन ये एड्रेस और ये फोन नंबर कहां सेट हो वेयर जहां पर गार्जियन आईडी अब गार्जियन आईडी क्या है गार्जियन टेबल के लिए प्राइमरी की है तो हमेशा वेयर कंडीशन में हम प्राइमरी की को स्पेसिफाई करते हैं ताकि जहां आप चेंजेस करना चाहते हो एक्जेक्टली वही चेंजेस हो तो गार्जियन आईडी लिख दिया आपने उस गार्जियन का आईडी लिख दिया तो अब क्या आएगा आउटपुट क्वेरी ओके वन अब चाहते आप, तो यहाँ पे की यहाँ पे आप ये गार्जियन तो टू सुजाता पी okay? इस तरीके से भी आप स्पेसिफाई कर सकते थे बट प्राइमरी की स्पेसिफाई करना अच्छा होता है प्राइमरी की के थ्रू एफिशियंटली चेंजेस होते हैं टेबल में क्योंकि नाम तो दो रिपीट हो सकते हो सकता है सुजाता पी नाम से दो गार्जियन हो है ना दो स्टूडेंट्स के क्लियर तो इसलिए हमेशा प्राइमरी की स्पेसिफाई करना है ये ध्यान रखना है आउटपुट

फोन नंबर और इस गार्जियन आईडी का एड्रेस दोनों अपडेट हो चुके हैं दोनों अपडेट हो चुके हैं फोन नंबर कुछ 78 से से था था पहले टेबल में अब अपडेट होके जो आपने लिखा नया वो सेट हो गया 90 से। और मदुराई करके कुछ एड्रेस था अब यहां देखो बिजोनपुर एमपी करके कुछ एड्रेस सेट हो चुका है जो हमने सेट किया तो आपको समझ में आया अच्छे से कि अपडेट कमांड का यूज कैसे करना है टेबल के रिकॉर्ड्स को सेट करने के लिए अपडेट लिखना है टेबल का नाम लिखना है

क्लास में में थे और कोई कोई ऐसे हैं जो school छोड़ के जा चुके Suppose कोई एक एक चला गया तो आप, बचे? बचे. Okay. तो तो आपके अब कितने बचे बचे होगा इस तरीके की जब कंडीशन आती है कि कोई यदि जा रहा है इंप्लॉय की डिटेल आपको डिलीट करनी इंप्लॉय टेबल्स से क्लियर सो so, यहाँ पर क्या करते हैं हम यहाँ पर हम यूज करते हैं डेटा डिलीशन का से डिलीट कर सकते हो बाईट स्टेटमेंट कैसे चकते? यूज करना है डिलीट स्टेटमेंट को डिलीट लिखना है कमांड का नाम कौन सी एसक्यू एल कमांड यूज हो रही है डिलीट फ्रॉम आप डिलीट कर रहे हो आप टेबल से डेटा को तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम कहां से जिस टेबल से डेटा को डिलीट करना है सपोज किसी स्टूडेंट को, तो को डिलीट करना है तो स्टूडेंट टेबल आ जाएगी कोई गार्जियन को डिलीट करना है तो गार्जियन टेबल का नाम आ जाएगा वेयर अब कहां से डिलीट करना डिलीट तो कर देंगे हम लेकिन हमें कोई रो को स्पेसिफाई तो करना पड़ेगा ना कोई कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी जैसे अपडेशन के लिए हमने कंडीशन स्पेसिफाई की ना कि जहां पे गार्जियन आईडी ये है वहां पे अपडेट कर दे फोन नंबर एड्रेस जहां पे स्टूडेंट का रोल नंबर थ्री है वहां पे जाके स्टूडेंट का गार्जियन आईडी एड कर दे है ना ये हमने अपडेशन किए राइट तो वैसे यहाँ पे जहां पे आपको डिलीट करवाना है जिस रिकॉर्ड को डिलीट करवाना है उसका प्राइमरी की का कॉलम यहाँ पे कंडीशन में स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको या उसका नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा जिस भी कॉलम के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू

तो कंडीशन समझ में आ गई अब यहां पे डिलीट करना है फ्रॉम टेबल जिस टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट करना है जहां डिलीट करना है वो आपको लिखना है कैसे यूज करेंगे हम यहां सपोज रोल नंबर वाला स्टूडेंट डिलीट करना है ठीक है ठीक तो डिलीट फ्रॉम किस टेबल से स्टूडेंट टेबल से डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू फाइव वेयर नेम इक्वल्स टू तलीम शाह समझ में आया रोल नंबर इक्वल्स टू फाइव ये भी लिख सकते हो या नेम इक्वल्स टू तलीम शाह भी लिख सकते हो लेकिन सपोज एक ही नाम से तलीम शाह नाम से दो स्टूडेंट हो गए स्टूडेंट हो गए तो यदि आप लिखोगे पे नेम इक्वल्स टू तलीम शाह तो क्या हो जाएगा वो तीनों रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे अब आपको एक ही डिलीट करवानी थी जिसका रोल नंबर था तो आप क्या स्पेसिफाई करोगे रोल नंबर इक्वल्स टू फाइव जिससे हम रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं ओके कंटिन्यू कर लेते हैं स्टूडेंट विद रोल नंबर टू हैज लव दिस स्कूल स्टूडेंट टेबल में जो दो नंबर का स्टूडेंट है रोल नंबर जिसका टू है वो क्या कर रहा है स्कूल से लेफ्ट हो चुका है सो वी कैन यूज डिलीट माय स्ल स्टेटमेंट तो यहां पे हम जैसे स्टेटमेंट का यूज करेंगे वो डिलीट होगा टू डिलीट दैट रिकॉर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल ओके सो स्टूडेंट टेबल देख ले वापस क्या थी ये हमारी स्टूडेंट टेबल थी इसमें यहां पे देखो सेकंड नंबर का ये रिकॉर्ड है कौन सा रिकॉर्ड है सेकंड नंबर का रोल नंबर का ये रिकॉर्ड है जिसमें स्टूडेंट का नाम है डेज़ी और उसका डेट गार्जियन आईडी ये है और इसी रिकॉर्ड को आपको क्या करना है टेबल से डिलीट करना है क्योंकि ये स्कूल से लैफ्ट हो चुका है सो so, इसके लिए क्या करोगे आप कैसे कमांड चलाओगे डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू टू वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 2 ठीक है रोल नंबर इक्वल्स टू 2 क्यों ही लिखा है फिर से बता दिया मैंने अगर डेजी भूतिया का एक और रिकॉर्ड होता इस नाम से एक और होता डेजी नाम से र, आ, कोई रिकॉर्ड कोई स्टूडेंट एक और होता तो वो दोनों डिलीट हो जाते अगर नेम इक्वल्स टू लिखते तो ओके okay? या डेट ऑफ बर्थ इक्वल्स टू आप ये लिखते तो देखो डेट ऑफ बर्थ के तो ये दो रिकॉर्ड आपको यहीं दिख रहे हैं है ना तो कंडीशन वही स्पेसिफाई करना है जो कॉलम को रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करे ओके okay? सो so, क्या कमांड लिखेंगे इसके लिए हम इसके लिए हम कमांड लिखेंगे कुछ इस तरीके से डिलीट कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू टू तो जब आपने लिखा रोल नंबर इक्वल्स टू टू तो डेजी नाम का जो स्टूडेंट है एग्जिस्ट कर रहा है आपके टेबल में वो डिलीट हो जाएगा सो so, इसका आउटपुट क्या आएगा देखो क्वेरी ओके okay. इसका आउटपुट भी क्या आ रहा है क्वेरी ओके okay. आपको रिकॉर्ड डिलीट होता हुआ शो नहीं होगा एक रो अफेक्ट होगी एक रो डिलीट हुई तो एक रो अफेक्ट होगी इस क्वेरी से इस क्वेरी से एक रो अफेक्ट हुई अब यदि आपको देखना है कि वाकई ये रिकॉर्ड टू नंबर के रोल नंबर का रिकॉर्ड डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है तो हमने अगेन क्या यूज किया सिलेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट जब आपने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट तो यहां ध्यान से देखो रोल नंबर वन दिख रहा है थ्री दिख रहा है बट बीच का जो टू वाला रोल नंबर था वो डिलीट हो चुका है अथर देन डायरेक्ट तलीम शाहिया नाम का कोई रिकॉर्ड यहाँ पे शो नहीं हो रहा है ओके okay? सो so अब पहले सिक्स रिकॉर्ड थे अब फाइव रिकॉर्ड ही बचे हैं इस टेबल में मतलब एक रिकॉर्ड इस कमांड का यूज करके डिलीट कमांड का यूज करके डिलीट हो चुका है ओके okay? सो so, ये चीज अच्छे से क्लियर हुई अब यहां पे एक नोट मैंने लिखा हुआ है कि लाइक अपडेट स्टेटमेंट वी नीड टू बी केयरफुल टू इंक्लूड वाइल्ड वेयर क्लॉज देखो क्या बोला मैं जो बार बार आपसे बोल रही हूं कि वेयर क्लॉज में जो कंडीशन आपको स्पेसिफाई करनी है उसको बहुत केयरफुली आपको लेना है ठीक है समझ में आया वाइल यूजिंग डिलीट स्टेटमेंट टू डिलीट रिकॉर्ड इन अ टेबल अदरवाइज ऑल द रिकॉर्ड इज डिलीटेड विल गेट डिलीटेड मतलब जब आप डिलीट स्टेटमेंट का भी यूज करोगे तो ये जो वेयर क्लॉज है ना इसको बहुत केयरफुली आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अदरवाइज सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे अगर आपने ये वेयर क्लॉज यूज नहीं किया सपोज आपने इतना लिखा क्या लिखा आपने सिर्फ कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट तो पूरी स्टूडेंट टेबल के पूरे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे ये भी ध्यान रखना ठीक है और या वेयर क्लॉज में आपने कुछ ऐसा लिख दिया कोई ऐसा कॉलम लिख दिया जो सेम नाम से सेम डेट ऑफ बर्थ से सेम एड्रेस से एक से ज्यादा पर्सन एग्जिस्ट कर रहे हैं और आपने वो कॉलम यहां स्पेसिफाई कर दिया तो दो रिकॉर्ड दो से ज्यादा रिकॉर्ड भी डिलीट हो सकते हैं तो हमेशा वेयर क्लॉज में वही कंडीशन स्पेसिफाई करनी है जिससे पूरी टेबल में जितनी रोज है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो दैट इज प्राइमरी की तो हमेशा टेबल में प्राइमरी की को ही स्पेसिफाई करना है

सो टेबल्स इन स्टूडेंट अटेंडेंस अटेंडेंस आर एंड स्टूडेंट और अब हम डेटा डिलीशन एंड अपडेशन देखने वाले हैं स्टूडेंट एंड गार्जियन टेबल पे सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सिलेक्ट स्टूडेंट टेबल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट सेमी कॉलन एंटर ये देखो आपको स्टूडेंट टेबल यहाँ पे शो हो रही है बहुत ध्यान से देख लीजिए सिक्स स्टूडेंट्स हैं उनके रोल नंबर है नाम है डेट ऑफ बर्थ है स्टूडेंट्स की देन स्टूडेंट्स का गार्जियन आईडी है ठीक है गार्जियन आईडी फॉरेन की है क्योंकि गार्जियन टेबल से लिया गया है ये कॉलम और रोल नंबर यहाँ पर प्राइमरी की है गार्जियन आईडी में आप देखो पूरे सिक्स स्टूडेंट्स के गार्जियन आईडी है जिसमें थर्ड स्टूडेंट तलीम शाह का गार्जियन आईडी शो नहीं हो रहा है उसकी नल वैल्यू है ओके ये हो गई हमारी स्टूडेंट टेबल अब यहाँ पे हमें क्या करना है हमें ये अपडेट करना है कि तलीम शाह जो थर्ड नंबर का स्टूडेंट है उसका गार्जियन आईडी आपको फिल करना है सो so, क्या बताया था मैंने आपको कि तलीम शाह और अली शाह दोनों क्या हैं सिबलिंग्स हैं तो दोनों के गार्जियन आईडी क्या होंगे सेम होंगे राइट सो so, हमें यही गार्जियन आईडी जो अली शाह का है वही सेम हमें यहां पे अपडेट करना है तलीम शाह वाले कॉलम में ओके सो so, अपडेशन समझ में आया क्या करना है सो so, इसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे इसके लिए हम यूज करेंगे अपडेट टेबल का नाम स्टूडेंट सेट सेट क्या करना है आपको गार्जियन आईडी ज इक्वल स्टूब गार्जियन आई डी की वैल्यू क्या है वन जीरो okay. हमने गार्जियन आई सेट कर दिया लेकिन ये गार्जियन आईडी सेट कहा होगा कंडीशन तो स्पेसिफाई करनी पड़ेगी ना कौन सी रो में सिक्स रोज है यहां, कहां पर आपको गार्जियन आईडी सेट करना है जहां पे स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है थ्री है सो so, लिखेंगे हम यहाँ पे स्पेस देखिए वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू थ्री सो जहां पे रोल नंबर थ्री है जिस स्टूडेंट का रोल नंबर थ्री है उसका गार्जियन आईडी वाले कॉलम की वैल्यू क्या सेट हो जाए वन जीरो वन जीरो नाउ एंटर सो एज यू सी क्वेरी ओके वन रो अफेक्टेड एक रो अफेक्ट हो चुकी है आपकी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है ओके okay, अब देखना है कि वाकई यहां पे नल की जगह पर गार्जियन आईडी फिल हुआ है कि नहीं अपडेट हुआ है कि नहीं तो इसके लिए हम यूज करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट हमें टेबल के रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाना है सो यू सी थर्ड नंबर का रिकॉर्ड जो है तलीम शाह का उसका गार्जियन आईडी चुका है सो okay? so अपडेट कमांड, कमांड, तो so कमांड समझ में आई कि कैसे हम एक सिंगल कॉलम की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं इसी तरीके से आप मल्टीपल कॉलम की वैल्यूज को भी अपडेट कर सकते हो तो मल्टीपल कॉलम की वैल्यूज के लिए हमने क्या देखा कौन सी टेबल देखी थी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गार्जियन आपको गार्जियन टेबल से गार्जियन का एड्रेस चेंज करना है ओके क्या करना है गार्जियन टेबल से गार्जियन का एड्रेस फोन नंबर चेंज करना है सो so ये गार्जियन टेबल आपको यहाँ पे शो हो रही है अब इस गार्जियन टेबल में से किस गार्जियन का आपको एड्रेस फोन नंबर चेंज करना है जिसका गार्जियन आई डी फोर सिक्स फोर 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 सिक्स सिक्स समथिंग कुछ है ठीक है तो ये जो आपको गार्जियन आई डी दिख रहा है इस आई डी वाले गार्जियन का फोन नंबर चेंज करना है और एड्रेस भी चेंज करना है ओके, सो एड्रेस और फोन नंबर को हमें इस टेबल में अपडेट करना है एक से ज्यादा कॉलम देखो गार्जियन फोन और एड्रेस एक से ज्यादा कॉलम की वैल्यू को भी हम यहां अपडेट करेंगे ओके अपडेट गार्जियन सेट गार्जियन फोन क्या सेट करना है आपको क्या अपडेट करना है गार्जियन का फोन नंबर इज इक्वल्स टू सो हमने फोन नंबर लिखा कॉमा लगाया अब स्पेसिफाई करते हैं हम कॉमा लगा के नेक्स्ट कॉलम जिसको अपडेट करना है गार्जियन एड्रेस सो गार्जियन एड्रेस क्या है अब एड्रेस लिखते हैं सो so, ये गार्जियन एड्रेस हमने एंटर कर लिया अब यहां देखो आप क्या सेट कर रहे हो गार्जियन का फोन नंबर एंड गार्जियन का एड्रेस दो कॉलम्स की वैल्यूज को अपडेट करने वाले ओके okay, किस टेबल में गार्जियन टेबल में लेकिन कहां पर ये फोन नंबर और एड्रेस सेट हो सो so, हमें स्पेसिफाई करनी कंडीशन एंटर प्रेस करके मैं नीचे कंडीशन स्पेसिफाई करती हूँ लाइक वेयर जहां पर गार्जियन आई गार्जियन आई क्या हो फोर सिक्स सिक्स फोर 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 देन सेमिकॉलन एंड एंटर सो देखो क्या आउटपुट दिख रहा है आपको यहाँ पे क्वेरी ओके वन रो अफेक्टेड एक रो अफेक्ट हो चुकी है आपकी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है मतलब ये जो गार्जियन आईडी है सुजाता पी नाम से उनका फोन नंबर और एड्रेस अब चेंज हो चुका है देखना है चेंज हुआ है कि नहीं अपडेट हुआ है कि नहीं तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गार्जियन सेमिकॉलन एंटर बहुत ध्यान से देखो आप ये पहले शो हो रहा था ठीक है हाउस नंबर थर्टीन बी ब्लॉक प्रीतिविहार मदुराई और अब आपको क्या शो हो रहा है सुजाता पी का ड्रेस डब्ल्यूजेड आजाद एवेन्यू विजोनपुर एमपी और फोन 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 नंबर 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 आप देखो समथिंग कुछ फोन था और यहां पे आप फोन हमने जो चेंज किया है नाइन जीरो के अकॉर्डिंग सो अपडेट टेबल का मतलब समझ में आया कि आप सिंगल कॉलम की वैल्यू को भी अपडेट कर सकते हो आप मल्टीपल कॉलम की वैल्यूज को भी अपडेट कर सकते हो बट रिमेंबर दिस थिंग कि यहाँ पे जब आप अपडेट करो तो आपको कंडीशन स्पेसिफाई करने की जरूरत होगी वेयर क्लॉज में अदरवाइज पूरी टेबल में चेंजेस हो जाने ओके okay? क्या होगा अदरवाइज पूरे टेबल में चेंजेस हो जाने जैसे सपोज यहाँ पे यदि हम अभी वेयर कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करते तो ये जो गार्जियन का फोन नंबर था और एड्रेस था ये सभी गार्जियन में सेट हो गया होता मतलब पूरे कॉलम की वैल्यू दोनों कॉलम की वैल्यू यही सेट हो गई होती समझ में आया सो वेयर क्लॉज स्पेसिफाई करना क्यों जरूरी है ताकि आप एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड जिस रिकॉर्ड को चेंज करना चाह रहे हो उसी को चेंज कर सकते हो क्लियर सो रिकॉर्ड को अपडेट करना समझ में आया इसी तरीके से यदि आपको रिकॉर्ड को डिलीट करना है रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है है ना तो रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए हम डिलीट कमांड का यूज करेंगे ओके सो so हमें स्टूडेंट टेबल में से रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो पहले हम स्टूडेंट टेबल रन करके देखते हैं सो दिस इज योर स्टूडेंट टेबल अब यहां से आपको कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है यहां से हमें डिलीट करना है जिसका रोल नंबर टू है टू रोल नंबर वाले स्टूडेंट को आपको डिलीट करना है क्योंकि ये स्कूल से जा चुका है सो so इसके लिए हम कमांड लिखेंगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट जिस टेबल से आपको रिकॉर्ड डिलीट करना है वो लिखना है आपको डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट अब जैसे ही आप डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट लिखते हो तो आपको क्या डिलीट करना है कंडीशन स्पेसिफाई करना है उसके लिए हम ये लिखेंगे वेयर क्लॉज जहां जहां पर पर कौन सा हो रोल नंबर स्टूडेंट का क्या हो टू हो जहां पर स्टूडेंट का रोल नंबर टू है स्टूडेंट टेबल से वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए तो डिलीट कमांड रिकॉर्ड डिलीट करती है यदि कॉलम्स डिलीट करना है तो हम पढ़ चुके हैं उसके लिए ड्रॉप कमांड को ओके सो एंटरप्रेस करते हैं देखो क्या लिखा हुआ है आउटपुट क्वेरी ओके वन रो अफेक्टेड मतलब एक रो जो रोल नंबर टू वाली रो है वो अफेक्ट हो चुकी है वो डिलीट हो चुकी है आपकी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है अगेन देखना है आपको तो क्या करोगे आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कमांड एग्जीक्यूट करना आप ध्यान से देखो यहाँ पर यहाँ पर आपको ऊपर देखो टू नंबर का रिकॉर्ड दिख रहा है स्टूडेंट टेबल में डेजी नाम का और अब जैसी आपने ये डिलीट कमांड चलाई तो आपको वो रिकॉर्ड शो यहाँ नहीं हो रहा है है ना वन थ्री फोर फाइव सिक्स क्योंकि सेकंड नंबर का रिकॉर्ड हम यहाँ से डिलीट कर चुके हैं होप यू अंडरस्टैंड दिस कि डिलीट कमांड को कैसे एग्जीक्यूट करना है अपडेट कमांड का यूज किस तरीके से करना है सो so आप भी इसका प्रैक्टिकल करके देखोगे कि कैसे आप रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हो साथ ही साथ आप रिकॉर्ड्स को डिलीट भी कर सकते हो टेबल में से ओके okay? जिस तरीके से हम टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं कॉलम्स क्रिएट करते हैं बस उसी तरीके से आप डिलीट और अपडेट कमांड का यूज करके रिकॉर्ड्स को अपडेट और डिलीट कर सकते हो याद रखना फिर से कि रिकॉर्ड्स को टेबल के अंदर जो रो हैं टपल्स हैं उन्हें अपडेट और डिलीट करना है मतलब आपको टेबल के अंदर के डेटा को मैन्यूपलीट करना है तो अपडेट और डिलीट जैसे कमांड का यूज करना है सो होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस आप सभी भी इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे ना चलते हैं आप वापस स्लाइड पर सो स्टूडेंट्स होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया जिसमें हमने प्रैक्टिकली एज वेल एज थेटिकली समझा कि डेटा डिलीशन एंड अपडेशन में अपडेट और डिलीट कमांड का क्या यूज होता है यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक like करे सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें साथ ही साथ यूट्यूब के साथ आप इसे मैग्नेट ब्रेन्स के साथ भी एक्सेस कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स डॉट कॉम आपको टाइप करना है जब आप मैग्नेट ब्रेन्स डॉट कॉम टाइप करोगे गूगल पे तो इस तरीके का वेबसाइट शो होगा इस वेबसाइट से आपको सिलेक्ट कर लेना है अपनी क्लास क्लास इलेवेंथ जैसे ही क्लास इलेवन सिलेक्ट करोगे तो आ जाओगे कम

ओके okay. सो so, जिस भी किसी वीडियो में डाउट है आप उसको इस तरीके से प्ले कर सकते हो और आपका डाउट क्लियर हो जाना है सो स्टूडेंट्स मैग्नेट ड्रीन आपको किन्टर गार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्थ तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव अच्छा कर सकते हो सो so, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के एनसीआर टी सोल्यूशन दैट इज एक्सरसाइजेस के साथ जो कि कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी एग्जाम्स के लिए सो so, मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय